अस्सलाम वालेकुम, शहनाज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये कैरेमल पुडिंग कस्टर्ड। तो ये मैंने रेडीमेड पैकेट ले लिया है, उसके लिए मुझे ये आधा लीटर दूध लगेगा। तो मैंने आधा लीटर अमूल दूध ली हूँ और अब इसको मैं गर्म करने रख दूँगी। और इसके अंदर ये देखिए, ये इस तरीके का ये पैकेट निकला है और ये इसका कैरेमल है। ये इसको मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है, पहले मैं दूध को मैं इसमें डाल दूँ। तो अब मैं आधा लीटर दूध इसमें डाल दूंगी टोप में और दूध को मैं गर्म कर लूँगी। जैसे ही एक उबाल आएगा फिर उसमें मैं ये पाउडर डाल दूँगी। ये देखिए, अब ये मैं पाउडर इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं 5 मिनट तक पकाऊँगी और जब ये इसको पकाएंगे तब इसमें हमें चम्मच चलाते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जब तक दूध पक रहा तब तक आप इसमें चम्मच चलाते रहिए, नहीं तो पाउडर उसमें लग जाएगा। थोड़ा सा धीमी आंच पे पकाइए। ये देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए, अब ये मेरा कस्टर्ड पक के तैयार हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी और ये जो टीन है, ये टीन के अंदर मैं ये करामिल डाल दूँगी। ये कैरेमिल डालने के बाद में जब दूध ठंडा हो जाएगा तब कैरेमिल डालना है। अच्छे तरीके से इसमें पूरा मैं कैरेमिल लगा लूँगी टिन में। अब इसमें मैं ये कैरेमिल अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। ये देखिए, पूरे अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। और अब ये जो पुडिंग है मैं इसमें डाल दूँगी। ये अच्छे तरीके से पक चुका है और ठंडा भी हो चुका है। ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, बस इसका टेम्परेचर कम हो जाए फिर इसको डाल देना चाहिए। ये देखिए, अब इसको मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, तो देखिए अभी मेरा पुडिंग अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी। अब इसको मैं साइड में कट कर दूंगी और उसको प्लेट में रख करके उल्टा करके इसको निकाल दूंगी। अब इसको मैं प्लेट के अंदर उल्टा कर दूंगी। ये उल्टा करने के बाद में वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मुझे इसको उल्टा करना है टीन को और इसको बस निकाल देना है। तो ये देखिए, अब मेरा कैरेमल पुडिंग बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरे अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब मैं इसको कट करके बताती हूँ आपको किस तरीके से बना है ये। इसी तरीके से आप बनाइए और खाइए। तो ये देखिए कितना बहुत बेहतरीन बना है। ये कैरेमल पुडिंग दूसरी तरीके से भी बनता है, ब्रेड और अंडा और दूध से। वो मैं आपको फिर कभी बना के बताऊँगी अपनी वीडियो में। ये अभी फ़िलहाल मैंने रेडीमेड लेकर आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो मैं डाल दूँ और आपको बता दूँ ये किस तरीके से बनता है। ये बहुत टेस्टी भी बनता है, दोनों ही बहुत टेस्टी बनता है और ये भी बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, अब मेरे कैरेमल पुडिंग बनके तैयार हो गए। अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।